अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों ने पहली वीडियो लाइक और बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स भी आए हैं उस वीडियोस के ऊपर, थैंक यू वेरी मच। और आपके सभी कमेंट्स को इमरान भाई लिख के रख लिया है ना? बिल्कुल, कब बनेगा उसके ऊपर वीडियो? फिर उसके ऊपर अपन रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे, एक एक पर्टिकुलर एक एक कमेंट का एक एक पूरा करते रहेंगे। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग किस सेगमेंट में जा रहे हैं? अभी हम लोग देखिए मेन चीज अगर बात करें, एग्जांपल अपन लेते हैं औरंगाबाद का। औरंगाबाद में अंदाजे से आपके पास एक नॉर्मल बताइए कितने कबूतर पास होंगे? औरंगाबाद में मेरे ख्याल से 500 के करीब, 500 हजार मान, हजार मान लीजिए, मतलब उड़ाने वालों की बात करो, नहीं टोटल ओवरऑल 10,000 के पास, 5-10,000 तो होंगे, 5,000 मान ले या 1,000 मान के चलते हैं। जी जी 1,000 में से उड़ाने वाले कितने आते हैं? 1,000 में से उड़ाने वाले मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में उड़ाने वाले 30% उड़ाते हैं। हाँ 30%, 100-150 लोग समझ लीजिए टूर्नामेंट में एंट्री आती है। जी 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 ठीक है। बाकी के लोग क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं। जी तो ब्रीडिंग मेन फोकस है, और जो उड़ाते हैं कबूतर उनका काम भी क्या रहता है? ब्रीडिंग करवाना। जी ठीक है, क्योंकि आज कोई भी लॉफ्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे ब्रीडिंग नहीं होती हो। जी 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 जो कबूतर इस सीजन के अंदर शाम हो रहे है ना, उनको जैसे रिटर्न आते हैं कबूतर टूर्नामेंट खत्म होते हैं तो फिर उनको ब्रीडिंग में डाल दिया जाता है। जी जी, तो ब्रीडिंग एक मेन फोकस, मेन पर्पस अभी ब्रीडिंग भी होता है क्योंकि बच्चे उड़ाना पड़ते हैं। बिल्कुल, चाहे वो पिजन फैंसियर्स कोई से भी हो, होमस वाले हैं, चाहे अपन फैंसी वाले देख ले, तो उनके लिए एक पूरा ब्रीडिंग सेटअप बनाया है, ब्रीडिंग का पूरा पूरा, तो वो आपको दिखाते हैं। 5 प्रोडक्ट का हमारा सेटअप है, फैंसी वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा वो। अच्छा ठीक है, बाकी जितने कबूतर हैं चाहे पंजाबी, मद्रासी, रेसिंग होमर्स और अपने ग्रेवास कबूतर, तो उन सबके लिए एक सेटअप है पूरा पूरा। जी शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो शुरुआत अपन करते हैं 5 प्रोडक्ट से। इमरान भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों अगर ये सारी चीजें लेते हैं या हम लोग कहीं से भी कोई भी चीजें लेते हैं अदरवाइज, तो हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत देखिए 1 तारीख से अपन मान के चलते हैं। हाँ सेगमेंट मतलब उसका एक शेड्यूल क्या होना चाहिए? शेड्यूल ये रहना चाहिए 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक का हम शेड्यूल बताते हैं। 1 तारीख यानी कि आपके पास 10 तारीख को पहुंचे तो 11 तारीख से आप वो शेड्यूल चालू कर सकते हैं। जी लेकिन एक आपको समझ के समझ में जल्दी आ जाए तो 5 दिन हमारा कैल्शियम का डोज रहता है, उसके बाद 10 दिन हमारा मल्टीविटामिन जो एमिनो वीटा बूस्ट लिक्विड है उसका डोज रहता है, और फिर 5 दिन का डोज होता है लिवर टॉनिक का। अच्छा ठीक है, 5 दिन ये, 10 दिन वो, 15 और लास्ट के 5 दिन 20। 20 दस दिन नॉर्मल नॉर्मल जी। अगर आप है ना डिफेंडिंग वगैरह कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ठीक, तो कबूतरों को बीमारियों से बचाने के लिए, तो उस टाइम 10 दिन के सेगमेंट आपको मिलता है तो वो दे सकते हैं, ताकि कबूतरों की इम्यूनिटी पावर बढ़ा हुआ होगा तो वो एंटीबायोटिक्स आसानी से ले सकेंगे, एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट कम होगा। अच्छा प्लस एंटीबायोटिक देंगे तो वापस 1 तारीख से जब अपने ब्रीडिंग सप्लीमेंट चालू होंगे तो अगर बाई चांस उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हुई तो वापस वो ब्रीडिंग अपने सप्लीमेंट्स उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ा देंगे। अच्छा तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत अपने अब बात करते हैं मेन, तो 5 दिन जो स्टार्टिंग है वो क्या देना है? स्टार्टिंग सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पिजन केल है, पिजन केल ये स्पेशली पिजन्स के लिए कैल्शियम बनाया गया है दोस्तों। अब जो रेसर होमर्स वाले हैं उन्होंने तो इसको उड़ान में भी इस्तेमाल करने की देखी, क्योंकि देखिए आप मेन इसका जो कंपोजिशन है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। जी ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेन रोल प्ले करते हैं कबूतरों की उड़ान के लिए। अच्छा लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों का मिला के था। जी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था ब्रीडिंग के ऊपर, लेकिन फोकस जो था वो उड़ान के ऊपर भी था। तो जो इंटेलिजेंट होता है समझदार होता है वो उड़ान में भी इस्तेमाल कर सकता है पिजन केल को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, प्लस जिंक भी दे रखा है। अच्छा जिंक इसलिए दे रखा है दोस्तों, जिंक आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा, कैल्शियम के आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनमें सर्च कीजिए, सिर्फ हमारी ब्रांड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्लस जिंक है, ये हमने एडिशनली एड करवाया। तो कई बार क्या होता है जो हमारा डोज है वो 1 लीटर में 3 ml का डोज है, बस 1 लीटर में 3 ml, 1 लीटर में सिर्फ 3 ml ठीक है। 1 लीटर की जो बोतल है वो 350 रुपये की है। अच्छा 1 लीटर तो 3 ml का डोज 1 लीटर में। अगर कई बार क्या होता है अपन देखते हैं कई जो पुराने आप ब्रांड यूज करते होंगे कि कैल्शियम नीचे जम जाता है। जी 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 कई आप बोलते थे साहब ये जमेगा तो नहीं, मैं कह रहा हूँ साहब आप जो जमने की बात कर रहे हो आप ओवरडोजिंग दे रहे हो कैल्शियम की। अच्छा मैं मना नहीं करता कि जो आप यूज कर रहे हो उसको चेंज कर दो, मैं बात कर रहा हूँ डोज की। अच्छा वो 3 ml डालेंगे तो पानी के अंदर दिखेगा ही नहीं। सही है ठीक है, जब वो सोचता रहे आप देख ही नहीं रहे तो पर असर क्या करेगा। अच्छा तो 10 ml डाल देते हैं। 10 ml क्या है, जो 1 लीटर पानी है वो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है उसकी 5 ml की है। अच्छा 5 ml कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन बाकी का 5 ml क्या करेगा वो,
क्योंकि कैल्शियम वजन वजन होता है ज्यादा, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो वो घुलेगा ही नीचे जम जाएगा, घुलेगा नहीं। अच्छा 5 ml घुल जाएगा, बाकी 5 ml क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा वो। अच्छा तो लोग कितना भी कोशिश करेंगे नहीं घुलेगा, कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ अच्छा। पानी एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो फिर घुलेगा वो। अच्छा थोड़ा पानी कर लेंगे आप, जो कबूतर पी जाएंगे फिर आप करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, ओवर डोजिंग हो जाएगी। अच्छा अब ओवर डोजिंग की वजह से क्या होता है कैल्शियम की, कि कबूतर पानी वाली बीट करने लगते हैं। अच्छा आज बात ये, कबूतर पानी वाली बीट करते हैं, कबूतर को कैल्शियम मार निकालना रहता है, ओवर कैल्शियम। ओके बॉडी के अंदर आप जो भी एक्स्ट्रा चीज लेंगे, बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर सकती है वो एब्जॉर्ब करेगी, बाकी का पूरा बीट के अंदर निकाल देगी। ठीक है, तो कैल्शियम तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, कबूतर दुबला भी हो जाता है। ओके बीट पानी वाली बीट करेगा डायरेक्ट डिसेंट्री जैसा लगेगा तो कबूतर नीचे की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से हमने जिंक ऐड करवाया इसके अंदर। अच्छा जिंक जिंक क्या करता है, फौना फ्लोरा मेंटेन करता है पेट का। अच्छा पेट के जो गुड बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, वो गुड बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मेंटेन करे रखता है वो। अच्छा जिसकी वजह से ये कई बार होता है ना, लोग बार नहीं समझते, उन्हें तो 10 ml डालना है, 1 liter भी तो 10 ml डालेंगे वो, तो 10 ml डालने पे भी कबूतर बहुत रेयरली पानी वाली बीट करेंगे क्योंकि जिंक है। ठीक है पहला तो ये हो गया। अब दूसरे सेगमेंट में दूसरा प्रोडक्ट पे आते हैं, एनर्जोविटा बूस्ट लिक्विड। एनर्जोविटा बूस्ट लिक्विड जो है ये है, इसके अंदर जो कंपोजिशन लिया है वो हमने अमेरिकन कंपनी का लिया है। हाँ। तो इसके अंदर 20 एमिनो एसिड्स हैं और 20 वाइटामिन। अच्छा मैंने सुना है ये सबसे ज्यादा विटामिन जो 40 तरह के होते हैं उसमें से 30 तरह के इसमें है। इसमें पूरे हैं, जो जो कबूतर की जरूरत होती है ना जी, ब्रीडर्स को खासतौर से। हाँ। लेकिन अब इसके अंदर जब इसके अंदर जो BCAA दे रखा है, BCAA के साथ में जो एमिनो एसिड एक्स्ट्रा भी आते हैं। हाँ। जो अमीनो एसिड का मतलब मसल्स को मेंटेन करना, मसल्स के टोटली उस पर रहता है अमीनो एसिड। अच्छा तो कई पीलो पैसे जो उड़ाने वाले हैं तो इससे मसल्स के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है वो, लेकिन हम प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि स्पेशली हम ब्रीडिंग के लिए बनवाया, पर ये फ्लाइंग में भी काम आ रहा है, मैंने कई जगह पे सुना है कि बहुत सारे लोगों को जगह जो उनके कॉन्सेप्ट है वो आजमा रहे हैं इसके इसके थ्रू, क्योंकि मेन तो सप्लीमेंट्स का है। अच्छा सप्लीमेंट कैसे भी हो कहीं के भी हो, बस क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। क्वांटिटी आप ज्यादा देंगे तो बिगड़ेगा, क्वांटिटी कम देंगे तो मेंटेन होगा। अच्छा है ना, एवरेज क्वांटिटी देंगे तो परफॉर्मेंस आएगा। अच्छा ये ठीक है, तो ये जो स्पेशली हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं पीजन जो ब्रीडिंग ब्रीडर्स के ऊपर, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन एक प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट प्रोडक्ट है जिसमें एमिनो एसिड्स भरपूर है, भरपूर है, पूरे 20 एमिनो एसिड्स हैं और 20 मल्टीविटामिन्स हैं। अच्छा तो ये ग्रो करने के अंदर मदद करते हैं, मसल ग्रो करने के, मसल ग्रो, जो जब बच्चा पल्ला होता है जी ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा क्या गोश्त चढ़ता है उसके ऊपर जी जी ठीक है, तो और माँ बाप को भराना भी पड़ता है, माँ बाप भी कमजोर होते हैं तो उसके अंदर ये बहुत काम करता है, तो ये 10 दिन तक चलता है जब रेगुलर, जब ब्रीडिंग चल रही हो तब 10 दिन चलेगा। अच्छा और अगर नॉर्मल देते हैं आप 5-5-5 तीनों प्रोडक्ट 5-5 दिन दे सकते हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग के ऊपर आएगी बात तो ये 10 दिन चलेगा। ओके इसके बाद आते हैं अपन कार्निलिवो बूस्ट के ऊपर, ये लिवर टोनिक के दोस्तों। अच्छा ठीक है, अब इसका कंपेरिजन मैं आपको कोई से भी ब्रांड से कर सकता हूँ, जो भी आप यूज करते होंगे कोई सा भी ब्रांड, क्योंकि कार्निलिवो बूस्ट जो है इसके अंदर कार्निलिन दे रखा है, जो इसका कंपोजिशन है आप देख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पर जी, तो कार्निलिन दे रखा है। कार्निलिन जो होता है सबसे ज्यादा बूस्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, होता है कि जिससे हर उड़ाने वाले प्रोडक्ट में भी कार्निलिन आता है, बिना कार्निलिन के कबूतर उड़ ही नहीं सकता, बूस्ट नहीं हो सकता, चाहे वो छोटी कंपनी का हो, चाहे बड़ी कंपनी का हो, चाहे मीडियम कंपनी का हो, जितनी कंपनी के उड़ाने वाले प्रोडक्ट आते हैं सबके अंदर एल कार्निलिन होता है। अच्छा लेकिन जब ब्रीडर की बात करेंगे, जब उड़ाने के अंदर डोजिंग का डिफरेंस डिफरेंट होगा। अच्छा लेकिन जब ब्रीडिंग की बात करेंगे तो ब्रीडिंग के अंदर जो मैक्सिमम डोज है ना, 1 liter में 1 ml का है इसका। अच्छा 1 liter में 1 ml, अगर आप 5 दिन एवरेज देंगे तो ये एक प्रोडक्ट ब्रीडिंग के अंदर ही आपका 1 साल चल जाएगा, 3 साल की एक्सपायरी है, 3 साल की एक्सपायरी है ना, 1 साल। हम लोग लेकिन कबूतर बाद जो कम में बिलीव नहीं करते, हम लोग ढक्कन भरा और डाल दिया। एल कार्निलिन क्या करता है, जो आपका बॉडी फैट है, जो ब्रीडर्स का बॉडी फैट है, कबूतर मोटे रखना पसंद करते हैं ब्रीडर्स वाले, ठीक है, तो एल कार्निलिन जो फैट को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के ऊपर। अच्छा तो उनका फैट चले जाएगा अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपने दे दिया, ठीक है। ब्रीडिंग के अंदर फोकस होता है कबूतर फैट भी रहे और तो कबूतर को ताकत से वो भरा भी सकते हैं बच्चों को अपने। अच्छा लेकिन जब कबूतर दुबला ही हो जाएगा, उसका फैट चले जाएगा, तो उसकी ताकत कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसलिए 5 दिन मैक्सिमम दे रहे हैं इसको, क्योंकि एवरेज से लिवर बूस्ट करना है हमको। अच्छा उड़ाना नहीं है, उनका फैट कम नहीं करना। क्या बात है, ठीक है, तो मतलब ये फ्लाइंग में भी काम आ ही सकती है। देखिए कई लोगों ने यूज करा, कई लोगों का रात रह गए इस पे ही, सिर्फ मद्रासी है ना, आंध्रा हाई फ्लायर्स, हाँ। ग्रेवास,
तीन जगह के मेरे पास हैं, मतलब जो उन्होंने पर्सनली मेरे को बताया। हाँ लेकिन अपन का प्रोडक्ट नेम क्या है, ब्रीडिंग के लिए बताया ये, अच्छा उड़ाने का सेगमेंट अलग है पूरा, तो जी उड़ाने वाले एल्गानिटेन है, उससे थोड़ा एफोर्डेबल भी है अच्छा और अच्छा इससे फास्ट भी है, अच्छा क्योंकि लोगों को क्विक चाहिए रहता है, तो क्या क्विक बात। वाले हैं तो वो यार मैं दिखाएंगे। कंपनी ने ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी में दिया हुआ है जी तो ये कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या मतलब नहीं, क्या देखो मेन है, क्या चीज जो चीज़ है हमारा मतलब। मेन फोकस है वो ये है कि आज दाना सबसे ज्यादा महंगा हो रहा है, अच्छा एवरेज अगर कहीं पे भी कहीं छोटे शहर हो चाहे मीडियम हो चाहे बड़े हो चाहे मेट्रो है, मेट्रो के अंदर तो ज्यादा महंगा हो जाता है ना, तो एवरेज अगर दाने की वो देखें अपन तो वो 40 रुपए से लेके 50 रुपए का मिक्स दाना बन रहा है, हाँ अगर उसके अंदर आपने दालें और मिला ली तो तो 50 पैसों के 90 रुपए ऊपर के आसपास कई चली जगह जाएगा, जाता है, वो नब्बे अलग अलग सौ ब्रांड्स के ऊपर है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे अपन आम जनता दाना आम जनता खरीदती ले है, रही है आम की बात कर रहा हूँ मैं, खास की कोई बात ही नहीं है, खास तो जी खास ही रहेंगे वो है जी ना, हमारा भी मेन कॉन्सेप्ट तो आम के लिए है, ठीक जी है, आम लोग आप और हम और बाकी हमारे साथ जो दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, जी तो आम लोगों का हमें कैसे भी करके, क्योंकि ये टोटल जो ब्रीडिंग सप्लीमेंट्स हैं होमर्स के लिए, अपने क्या कहते हैं ग्रेवास के लिए है, गिरेबाज पंजाबी के लिए, मद्रासी के लिए, तो उनका जो दाना होता है वो दाना हम कह रहे हैं कि आप एक दाना ना दें, आप सिर्फ गेहूं के कबूतर पालेंगे, अब गेहूं वो इसी भी जगह पे एवरेज कितना 70 रुपये किलो मिलता है, 15 से लेके 25 रुपये किलो तक मैक्सिमम मिल जाता है गेहूं, है 30 रुपए भी होता है, तीस ना, वो पैंतीस 30 रुपये वो आपकी क्वालिटी के ऊपर है, लेकिन हम 15 से लेके 25 तक कबूतर जा रहे बाज हैं, अगर खिलाने की बात करें तो 20 रुपीज अफोर्डेबल रहता है उसके बिल्कुल लिए। है ना, क्योंकि सप्लीमेंट जो है ये ग्रेवास वालों के लिए 2100 रुपए के हैं, हाँ और जो फैंसी पीसेस आ जाएंगे उसमें दो प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे हमारे, एमिनोविटा एक और प्रोडक्ट बता दूं, फिर मैं आपको दाने के ऊपर बात करते हैं, जब बच्चे पाल रहे होते हैं कबूतर तब आपको ये पाउडर पानी दाने में मिक्स करके देना है, एमिनो बेटा जी बूस्ट जैसे आपके पास ऑयल ऑलरेडी अवेलेबल है तो जी साथ में आप ऑयल भी एक दे सकते हैं, जी कि ऑयल पहले मिला एक ढक्कर फिर एक जी चम्मच ये मिला दे, 1 किलो दाने के ऊपर 1 चम्मच, जिस बच्चे जो ग्रोथ कर रहे हैं तो बच्चों की ग्रोथ ज्यादा हो जाए, जो 2 महीने के अंदर फल कूदता है वो 1.5 महीने में कूद जाएगा, अच्छा प्लस कई जगह प्रॉब्लम आती है, एक छोटा एक बड़ा रह जाता है, तो माँ बाप जो होते हैं मेन फोकस कर लेते हैं बड़े बच्चे के ऊपर, जी। लेकिन वो छोटा क्यों हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि माँ बाप की हड्डी निकलने लगी है, माँ बाप में से दोनों में से एक की हड्डी निकलने लगी है खिला खिला के दोनों को, अच्छा तो एक बच्चा छोटा रह जाता है एक बच्चा बड़ा रह जाता है, तो दोनों माँ बाप जो है फोकस कर लेते हैं एक बच्चे के ऊपर, अच्छा ठीक है, ये मेन जो होता है नेचर होता है कबूतर का, जी जी है ना, जी अगर कबूतर का बच्चा बीमार भी होगा तो बीमार बच्चों को कभी नहीं खिलाएंगे वो, सही 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 है ना, तो दोनों बच्चों की मेन फोकस करेंगे, दोनों बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर होगी, और ये प्रोडक्ट से जी अब एक इसके साथ में डाइजेस्टिव बूस्ट, वो जी आप ग्रेटर में मिला के मिट्टी में मिला के हफ्ते में एक बार दे दें दो बार दे दें, तो डाइजेस्टिव बूस्ट क्या है, उनका पोट सही रखेगा, अच्छा हाजमा सही रखेगा, प्रॉपर रखेगा, तो ये 5 प्रोडक्ट हैं स्पेशली दोस्तों, जो फैंसी कबूतर वाले हैं खास तौर से, फैंसी कबूतर वालों के लिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट अपग्रेड करना है, क्योंकि हाँ फैंसी जो कबूतर होते हैं वो केज बर्ड्स होते हैं, केज से कभी हाँ बाहर नहीं आते, उनका मेन काम होता है ब्रीडिंग करना, ब्रीडिंग करके बच्चे बाहर आना, बच्चे कहीं पर भी चले जाना, ये शौक करना बच्चों का, अच्छा तो पिजन केल जो है पिजन केल के बदले पिजन केल गोल्ड लेना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एमिनो एसिड ज्यादा चाहिए रहते हैं उनको, फैंसी कबूतर को थोड़ा नाजुक होते हैं वो, इम्यूनिटी बहुत लो रहती है उनकी, तो उनके लिए पिजन केल गोल्ड स्पेशली है, जी और एमिनो विटा बूस्ट के बदले एमिनो विटा बूस्ट प्रो, अच्छा ये दोनों प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे उनके, ठीक अच्छा है, दाने में डालने का एक चेंज होगा, और फैंसियर्स के एक लिए, फैंसी पर कबूतर वे वाला फ्लायर्स के लिए भी बहुत जबरदस्त काम कर वो रहा मैं है बता रहा एमिनो हूँ टॉपिक्स। बहुत तगड़ा काम कर रहा है, जी क्योंकि जी इसका भी अच्छा वो नाम मैं फ्लायर्स के बताऊँ सेगमेंट में हम तो घुसेंगे अपन अभी। उसमें बताएंगे, ओके ओके ठीक है, तो ये दोस्तों मेन आप एक और चीज, जब 2100 रुपए के टोटल ये पिजन फैंसी के लिए प्रोडक्ट होते हैं, फैंसी वालों के लिए 3000 के एवरेज करीब पड़ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट मिनिमम 3 महीने आपको मिक्स दाना नहीं लेना, अच्छा क्योंकि देखिए 2100 रुपए के प्रोडक्ट है ये, 2100 रुपए आपके मिनिमम 6 से 7 महीने के अंदर ये एक प्रोडक्ट खत्म होगा, फिर दूसरा वाला 7 महीने में खत्म होगा, तीसरा वाला 1 साल में खत्म होगा, तो अलग अलग चलेंगे ये, जी। लेकिन 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, और जब आप 2100 रुपए एडवांटेज यहाँ पे इनका प्रोडक्ट्स का ले रहे हो, तो हाँ एक एडवांटेज हम भी आपको देना चाहते हैं कि आप जो मिक्स दाना यूज करते हो 40 रुपए किलो का या 50 रुपए किलो का, तो आप 3 महीने तक मिक्स दाना बिल्कुल यूज ना करें, अच्छा सिर्फ गेहूं पे कबूतर पालें, अच्छा गेहूं के ऊपर आप कबूतर पालेंगे, साथ में सप्लीमेंट देंगे और कंपेयर करेंगे पुराना और 3 महीने के बाद का, अच्छा ठीक है, जब बच्चे आपके छोटे बड़े रह रहे थे मिक्स दाने पे भी हाथ से भराना पड़ रहा था आपको, प्लस हैंड फीडिंग बिल्कुल नहीं करना, अच्छा इन ये प्रोडक्ट जब यूज कर रहे हो तो हैंड फीडिंग चाहे बच्चा जाया होता हो जाने दीजिए, लेकिन आपको 3रे महीने के अंदर प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएंगे,
पर लोग जो आलसी उनका क्या करेंगे, बहुत सारे लोग यूज नहीं कर रहेंगे। नहीं देखिए उनका अलग कॉन्सेप्ट रहता है, अपन फोकस नहीं कर सकते। जो अगर दिल से किसी ने किया तो अब क्या लगता है आपको, क्या होगा वहां पे? देखिए मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे शुरुआत में करते हैं खुशी, मतलब ऐसे नई नई गाड़ी आती है ना तो बहुत 120 की स्पीड से भागती है, जब पेट्रोल के भाव पता चलते हैं ना तो फिर 30 की स्पीड से चलता है इंसान, बिल्कुल लूना बना के उसको। बिल्कुल, तो गेहूं जो यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, अगर आपका दिल नहीं मानता कि आप मिक्स दाने पे कबूतर पालना चाहते हैं, तो मिक्स दाना जो आपका रखा है उसको आप 3 किलो गेहूं के अंदर 1 किलो मिक्स दाना मिला दे, आपका जो रखा है तो वेस्ट हो जाएगा वो भी रखा रखा। या 4 किलो उसमें 1 किलो मिला दे तो 5 किलो बन जाएगा, ताकि आपका वो दाना यूटिलाइज हो जाए और आपको आप मतलब दिल नहीं मानेगा कि आप मिक्स दाना खिलाऊं उनको। लेकिन गेहूं के जब आप कबूतर पालेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा सप्लीमेंट से, तो आपका दिल वाकई कुछ जो रिजल्ट आएंगे वो आप बताएंगे। देखिए बच्चे सभी लोग पालते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ देखना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे, जब तक आपको रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं यार, बहुत सारे जैसे मेरे पास कभी ब्रीडिंग नहीं हुई मेरे छत पे, क्योंकि मेरा मेन फोकस था फ्लाइंग। मैं हमेशा फ्लाइंग के ऊपर ध्यान देता था, मैं ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता था। पर आप जो लोग मेरी तरह के सोच के हैं कि मुझे सिर्फ कबूतर उड़ाने के सेगमेंट में जाना है, लेकिन ब्रीडर्स भी रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट है सबसे, क्योंकि आपको दो दो बार तो आपको दाना करना ही है, थोड़ा सा आपको मुशक्कत है 5 मिनट की, इसको सिर्फ खोलना है और डालना है। एक टाइम की बात करते हैं, दोनों टाइम नहीं करना है इनको। अच्छा एक ही टाइम करना एक है, एक ही टाइम करना है। अच्छा जी, या तो शाम के जब आप, अच्छा वो भी गैपिंग में भी करना है ना कुछ, एक दिन के गैप में। ये जो है जो सप्लीमेंट है अपना पाउडर दाने में मिलाने वाला, ये आपको एक दिन छोड़ के देना है। अच्छा एक दिन रोज देंगे तो आप कबूतर ज्यादा मोटे हो जाएंगे। क्या बात है, तो आगे जाके परेशानी आ सकती है, क्योंकि ज्यादा फैटी जो होता है तो अंडे में भी आगे जाके परेशानी आती है, तो एक दिन अल्टरनेट डेज देना रहता है। अच्छा फिर बच्चे अगर जैसे बढ़ रहे हैं तो आप रेगुलर भी दे सकते हैं, जब बच्चे खान पूर गए तो बंद कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी हम लोगों ने ब्रीडिंग सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, अपना कंप्लीट है। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त और थैंक यू, और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये बनी हुई है। जो भाई लोग ब्रीडर्स अभी तक नहीं बन पाए हैं उन लोगों के लिए खास हम लोगों ने ये वीडियो बनाई। तो कैसी लगी वीडियो जरूर आए कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कीप वॉचिंग किंग्स पिजन एंड भोपाल पिजन ऑल्सो। बाय बाय।